अगर आप भी YouTube पर फ्री टेस्ट देना चाहते हो क्लास 12 फिजिक्स NCERT चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इसमें हम समझाएंगे कि किस तरीके से हम खुद इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं और क्या प्रोसेस है इस टेस्ट के लिए अप्लाई करने का, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ये टेस्ट कब होने वाला है, सब कुछ कुछ भी बिना स्किप किए हुए एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। देखा जाए क्या चीज़ है। सबसे पहले ये तो 16 मई को टेस्ट होगा, ठीक है, और इसका जो टाइमिंग है 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होगा। रिजल्ट 16 तारीख को ही उसी दिन आ जाएगा शाम में 6 बजे, 1 घंटे के जस्ट टेस्ट होने के 1 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें, 4 मार्क्स मिलेगा प्रत्येक सही आंसर के लिए और 1 मार्क्स कट जाएगा प्रत्येक गलत आंसर के लिए। फुल मार्क्स 240 है, पासिंग मार्क्स 80 है। ये इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का टेस्ट होगा क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर का, ठीक है। अब इसमें जान लेते हैं कि टेस्ट देना कैसे है। तो देने के लिए आपको फटाफट से क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से जाकर के आपको अटैचमेंट ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में हम वैसे लिंक भी दे देंगे, उसके बाद जैसे ही इसको आप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, वहाँ पे आपको पूछेगा कि स्टूडेंट या टीचर, तो आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है क्या, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। वहाँ के बाद आपको फिर पूछेगा क्लासरूम आईडी, तो यह क्लासरूम आईडी आपको डाल देना है। जैसे ही आप डालोगे क्लासरूम आईडी, तो आप फिर क्लास में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। हमको यहाँ पर अप्रूवल के लिए एक रिक्वेस्ट आएगा आपका, तो वो अप्रूवल रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो तुरंत आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि अच्छा ठीक है भाई, आप चुन लिए गए हो टेस्ट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अगर आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझने में अगर दिक्कत हो कि क्या टेस्ट वगैरह का ये सब चीज़ कैसे होगा नहीं होगा, तो आप बस आराम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे पूछ सकते हो, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का सारा डिटेल मिल जाएगा। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, और अगर ये आइडिया आपको पसंद आया हो टेस्ट का, तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग तक भी इसको शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तभी तो कंपटीशन का एक अच्छा माहौल पैदा होगा और फिर टेस्ट देने का एक मज़ा भी आएगा। जो टॉपर्स लोग स्टूडेंट होंगे उसको कुछ ना कुछ अवार्ड भी ज़रूर दिया जाएगा।